क्या है? प्राण। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में जो रास पंचाध्यायी आता है वो भगवान का प्राण है, महाराज प्राण, जिसमें गोपियों का इन्होंने मनोरथ पूर्ण किया है। गोपियों का एक बार गोपियों ने भगवान कृष्ण को अपना पति रूप में पाने के लिए अनुष्ठान किया था, चीर हरण किया था। मेरे प्रभु ने कल मैंने ये कथा बताई थी। भगवान ने वचन दिया कि आने वाले समय में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। आज वो समय आ चुका है। अब और ऐसी सुंदर मधुर तान छिड़ी मेरे गोविंद ने, बेडू बजाई, आज वो लीला करना चाहते हैं। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका, वीक्षरन तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सुंदर बेडू बजाई। और ऐसी सुंदर बेडू बजाई, मधुर तान छेड़ी, की समस्त गोपियां अपने अपने गृह कार्य में व्यस्त थीं। कोई चरण दबा रही थी अपने पति देव के, कोई पति को हलवा बना रही थी, और कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, तो कोई गोपी दूध निकालने गई थी, और कोई गोपी क्या कर रही थी मालूम? वस्त्र बदल रही थी, कोई स्नान बना रही थी। रात्रि का समय महाराज, समस्त गोपियां अपने अपने कार्य में व्यस्त थी। लेकिन क्या दशा हुई इन गोपियों की मालूम? जब बेणु बजाई मेरे भगवान, एक साधारण व्यक्ति यदि इस संसार में बांसुरी बजा दे तो हिरण महाराज उसके चरणों में लौटता है। हिरण, हिरण जब भी पकड़ा जाता है, वैसे हिरण बड़ा फुर्तीला जानवर है, इसे पकड़ नहीं सकता कोई, बहुत तेज दौड़ता है हिरण। लेकिन जब इसे पकड़ना होता है तो ये कैसे पकड़ा जाता? बांसुरी बजा करके, क्योंकि बांसुरी की तान से ये इतना स्तब्ध हो जाता है, बेबस हो जाता है कि वहां आ जाता है। और कैसा भी दुखी प्राणी हो, यदि बांसुरी की तान छिड़ दे तो महाराज उस क्षण के लिए वो दुख से दूर हो जाता। ऐसा सुंदर वादन है बांसुरी का। और जब स्वयं मनमोहन यदि बांसुरी बजाएं तो ऐसा किसका मन है जो मोहित ना हो जाए? तभी तो इनका नाम मुरली मनोहर पड़ा है, मुरली मनोहर, जिन्होंने मुरली बजाई, बांसुरी बजाई, बेणु बजाई, ऐसी सुंदर तान छिड़ी। एक गोपी क्या कर रही थी मालूम? पति को हलवा बना रही थी। जैसे उसने मधुर तान सुनी मेरे प्रियतम की, तो पति से धोखा देकर झूठ बोलकर चली गई। कहने लगी मैं अभी आ रही हूं, हलवा चूल्हे पे रखा छोड़ा, और अपने कन्हैया के पास चली गई रात्रि के समय। एक गोपी क्या कर रही थी? चरण चाप रही थी स्वामी के, पति के चरण दाब रही थी। पति से बोली मैं जल पी के आ रही हूं, आई ही नहीं है, चली गई कन्हैया के पास, गोविंद के पास। एक गोपी क्या कर रही थी मालूम? दूध निकालने गई थी, वहीं फेंका पात्र और अपने प्रियतम श्याम सुंदर के पास पहुंच गई। ऐसी विचित्र दशा वर्णित है। एक गोपी क्या कर रही थी? वस्त्र पहन रही थी महाराज, भाव आवेश में ऐसी व्याकुल हो गई कि नीचे का वस्त्र ऊपर और ऊपर का नीचे पहन के अपने श्याम सुंदर प्रियतम के पास खड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी श्रृंगार, सो एक आंख में ही काजल लगा पाई, दूसरे में भूल गई और अपने प्रियतम के पास जाके खड़ी है। ऐसी सुंदर लग रही महाराज, एक आंख में बड़ा मोटो काजल लगो, एक में लगो ही ना।
ऐसा मन जब प्रभु को पाने के लिए व्याकुल होता है तब कहीं भगवान मिलते हैं। माताओं याद रखना, ऐसे थोड़ी मिलते भगवान। एक गोपी आभूषण पहन रही थी आभूषण, और जैसे प्रियतम की द्वारा बजाई हुई बांसुरी का वादन कान में पड़ा तो क्या दशा हुई उसकी, नाक का आभूषण कान में और कान का नाक में पहने आया है। बड़ी शोभायमान लग रही है सबकी बड़ी विलक्षण दशा। ओ बाबूरी ओ बाबू।